बिल्कुल अपेक्षित परिणाम था। खड़गे जी ने, राहुल जी ने और इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि हम 295+ आ रहे हैं और ये वास्तविकता है। 2 बजे तक इंडिया गठबंधन 300 क्रॉस करते हुए आपको दिखाई देगा। जहाँ हमें लीड है इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स को, वहाँ पर वो लीड 50,000-1,00,000 ऐसी है और बहुत कम जगह ऐसी लीड बीजेपी और एनडीए कैंडिडेट को मिली है। जो कांटे की टक्कर जहाँ चल रही है वहाँ भी कांग्रेस 1.5-2 बजे तक आगे निकल जाएगी और एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ जो है वो इंडिया गठबंधन सरकार स्थापित करने जा रही है। महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र बिल्कुल वहाँ पर भी कंट्रीब्यूट काफी जल्दी चल रहा है। जहाँ कांग्रेस, शिवसेना, उद्धवगढ़ और शरद पवार जो है बड़ी हासिल की हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि अब 35+ जो है क्रॉस महाराष्ट्र करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सारा मुलाफे, पंजाब, ये सारा मुलाफे करने में बड़ी भूमिका, अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन दो राज्य तेलंगाना और कर्नाटक, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को पीछे कर रहे हैं। बिल्कुल, हम 12-13 सीटें कर्नाटक में जीतेंगे, 10-11 सीटें तेलंगाना में। उसके पर नए साथियों का खोजने का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि जरूरत पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो इस देश के मतदाताओं को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। लोगों ने सिरे से इस देश में तानाशाही आने से बचा लिया, तानाशाही को नकार दिया, सिरे से नकार दिया, इसलिए उनका धन्यवाद दूंगा। दूसरी बात, संविधान बचाया। इस देश के बहुजन है, इस देश के आदिवासी है, इस देश के दलित संप्रदाय समुदाय है, अल्पसंख्यक है, इन सबको इस तरह से डराया धमका के रखा था, उससे उनकी मुक्तता जो है ये मैंडेट दे रहा है। सरकार आए, सरकार न आए, सरकार बनेगी बिगड़ेगी ये तो होते रहेगा, लेकिन देश का संविधान और देश का लोकतंत्र जिस चुनाव ने बचाया, या अभूतपूर्व चुनाव था और इसमें राहुल जी ने जिस तरह से मेहनत की है, मैंने पूरे मानवीय सभ्यता के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसने दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम ऐसी यात्रा की है। और जो न्याय पत्र दिया है उसमें जो न्याय पत्र गारंटी, जो 5 न्याय और 25 गारंटी, वो स्पष्ट रूप से लोगों में परकुलेट होती दिखाई दे रही है। हमारे खड़गे जी इतने बड़ा नेतृत्व जो है, इतने ब्लॉक अध्यक्ष से बन के सीधा AICC प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनकी नीतियाँ, उनकी स्ट्रेटेजी, उनका इंडिया अलायंस के साथ जिस तरह से उन्होंने कोऑर्डिनेशन रखा, ये सारी चीज़ें। और प्रियंका जी के तो क्या कहें, प्रियंका जी ने जिस तरह से मुठोड़ सारे चीज़ों का जवाब दिया है, राहुल जी की जिस तरह से सभाएं पूरे इंडिया गठबंधन की हुई है, पूरे देश में की है, उससे उसका नतीजा है ये सब। उस कार्यकर्ता, उसे चार्ज हुआ कार्यकर्ता को भी लगा हमारे नेता इतना काम कर रहे हैं, हमें भी लड़ना चाहिए। तो जो एक कार्यकर्ता के बीच में एक निराशा थी, उस निराशा को दूर राहुल गांधी जी ने किया। लेकिन राहुल गांधी जी क्या सबसे बड़ा मानना पड़ेगा ये बात, ये माता रखते हैं कि इतना बदनामी करने के लिए 10-15 हज़ार करोड़ का खर्चा किया, उनकी छवि को खराब करने के लिए कोशिश की गई, उन्होंने तो पैदल पैदल रास्ते चल के नाम अपने राहुल जी के मेहनत को बताया, लेकिन मेहनत का जो परिणाम आया है तो राहुल जी पद संभालने या कर लेते अभी तो ऐसा है कि बड़े नेताओं हाईकमांड का निर्णय होगा। सबसे बड़ा निर्णय तो ये हुआ है कि जिसका लोकतंत्र संविधान बचा, राहुल गांधी जी इतने छोटे नहीं हैं, देश के लिए लड़ रहे थे, खड़गे जी भी देश के लिए लड़ रहे थे, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता देश के लिए लड़ रहे थे, और आज देश जो है उसको बचा लिया है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, देश का एक सामूहिक शहानपन जिसे वो सामने आया है, उसको हमारा सलाम।